आज चौथे रोज भी कुकरनाग में ऑपरेशन जारी है और जबरदस्त फायरिंग इस वक्त भी हो रही है। रात भर फायरिंग का सिलसिला जारी रहा और कल यहाँ पे मिलिटेंट हाइड आउट भी जो है तबाह कर दिया गया और अभी भी आप सुन सकते हैं इस एरिया में लगातार धमाके हो रहे हैं, लगातार फायरिंग हो रही है। आज फोर्थ डे है और लगातार पिछले तीन दिनों से इसी तरीके से फायरिंग हो रही है, धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। और जिस तरीके से कल एक फुटेज भी सामने आई, ड्रोन फुटेज, उसमें साफ दिख रहा है कि एक मिलिटेंटों का बड़ा हाइड आउट जो है उसको तबाह कर दिया गया, लेकिन वहां से एक शख्स बिल्कुल जंप मारता है, भागता है जब तीसरी बार वहां पे एक धमाका होता है और उसके बाद वो वहां से भागता है, जंप करता है, तो समझा जा रहा है कि वो मिलिटेंट था और वो इसी जंगल में फिर से भाग गया। लेकिन पुलिस ने पहले कहा था कि दो मिलिटेंट जो है उनको एनसर्कल किया गया और उज़ैर खान का नाम भी बताया गया था, लेकिन अब यह समझा जा रहा है कि दो से ज्यादा मिलिटेंटों की तादाद हो सकती है, क्योंकि पहले यह भी बताया गया था कि एक मिलिटेंटों का ग्रुप जो है वो यहाँ पे था, उसी की इन्फॉर्मेशन आर्मी और पुलिस को मिली थी, उसके बाद ही वो यहाँ पे ऑपरेशन करने के लिए आए थे और वो जब स्ट्रेटजी बना रहे थे कि ऑपरेशन को कैसे चलाया जाए, उसी बीच जो है फायरिंग की मिलिटेंटों ने, अंधाधुंध फायरिंग, जिसमें तीन जो है ऑफिसर्स घायल हो गए गंभीर रूप से, जिसमें आर्मी का कर्नल जो कमांडिंग ऑफिसर था और साथ ही मेजर आशीष और हुमायूं भट्ट जो DSP था पुलिस का, वो वहाँ पे गंभीर रूप से घायल हुए, वो उस टाइम इवैक्यूएट नहीं कर पाए और लेकिन उसके बाद उनकी बॉडीज जो है इसी स्पॉट पे रिट्रीव की गई और ऐसा समझा जा रहा है कि यही वो पूरा एरिया है जहाँ पर मिलिटेंट अभी भी छुपे हुए हैं। आप आवाज़ सुन सकते हैं फायरिंग की, लगातार फायरिंग हो रही है, धमाके हो रहे हैं और रात भर जो है ये इलाका गूंज उठा धमाकों की आवाज से, रात भर भी फायरिंग का सिलसिला जारी रहा, रात भर इस ऑपरेशन को रोका नहीं गया। जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ तब से रात दिन ये ऑपरेशन इसी तरीके से लगातार चलाया जा रहा है। यहाँ पे आर्मी पुलिस लगी हुई है और ऑपरेशन जो है लगातार आप सुन सकते हैं, जबरदस्त धमाके हो रहे हैं और धमाकों की आवाज से ये पूरा एरिया जो है ये गूंज रहा है। तो ऑपरेशन का आज चौथा दिन है और चौथे दिन भी इस ऑपरेशन में जो है वो अभी ऑपरेशन जो है चौथे दिन भी वो लगातार जारी है।